नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आखिर 2024 वृश्चिक राशि वालों के लिए क्यों रहने वाला है खास? चार बड़े ग्रहों में से तीन ग्रहों का पूरे वर्ष भर मिलेगा सपोर्ट, एक ग्रह करेगा परेशान। जी हां, हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में, वृश्चिक लग्न वालों के बारे में। तीन जो बड़े ग्रह हैं इनका सपोर्ट पूरे वर्ष भर आपको मिलने वाला है और एक ग्रह आपको परेशान करने का काम करेगा। चार ग्रह जिनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, जब भी इन चारों ग्रहों का कोई परिवर्तन होता है तो प्रभाव विशेष तौर पर देखने को मिलते हैं। ये यदि शुभ है तो शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा और ये यदि अशुभ है तो अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। चार ग्रह कौन कौन से हैं? राहु, केतु, शनि और गुरु। आपकी कुंडली के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो शनि आपके चौथे भाव में 2024 पूरे वर्ष भर कुंभ राशि में गोचर करेंगे। वही राहु पूरे वर्ष भर 2024 में पंचम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे और गुरु छठे भाव में मेष राशि में 1 मई 2024 तक गोचर करेंगे और 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके ये सप्तम भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। केतु पूरे वर्ष भर आपके लाभ भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी शनि राशि से चौथे भाव में गोचर करे या आठवें भाव में गोचर करे तो शनि की ढैया लगती है। वृश्चिक राशि वालों के शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है, लेकिन ये जो ढैया है ये ज्यादा नुकसानदायक नहीं। नुकसानदायक इसलिए नहीं है क्योंकि शनि अपनी राशि में विराजमान है और राजयोग बना करके गोचर कर रहे, इस कारण से शनि का ढैया का प्रभाव, बुरा प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कार्य आपके बनेंगे क्योंकि राजयोग बना करके शनि गोचर कर रहे हैं। शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे ज्यादा परेशान करने का काम करता है। जब भी शनि की ढैया चले या साढ़े साथी चले तो परेशानियां उत्पन्न होती ही होती है, और यदि ढैया अच्छी है और साढ़े साथी अच्छी है तो यही शनि रंग से राजा बनाने का भी काम करता है। तो वृश्चिक राशि के अनुसार से शनि की यदि बात करें तो सस नामक राजयोग बना रहे हैं। शनि पंच महापुरुष में से एक राजयोग होता है सस नामक राजयोग, जो कि यश मान सम्मान देता है, धन देता है, वैभव देता है, ख्याति देता है, प्रसिद्धि देने का काम करता है, राजनीति में सफलता देने का काम करता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि हम बात करें तो शनि तीसरे भाव के मालिक है, चौथे भाव के मालिक है और चौथे भाव में ही पूरे वर्ष गोचर करने वाले हैं। बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, भाई बहनों के संबंधों में भी जो है अच्छी स्थिति बनाने का काम करेंगे, और यदि आप 2024 में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान या वाहन खरीदना चाहते हैं तो योग आपके लिए बहुत अच्छा है। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं, मकान का निर्माण का काम चालू कर सकते हैं। यह आपके लिए शुभ स्थिति है और इन क्षेत्रों में आपको शनि लाभ देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें मान सम्मान की तो मान सम्मान में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। यदि आप शनि के क्षेत्र में काम करते हैं, नेटवर्किंग क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं, साथ ही साथ लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम यदि आप करते हैं, या फिर आप जो है आईटी सेक्टर से जुड़े हुए, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए काम करते हैं, मशीनरी से जुड़े हुए काम करते हैं, तो शनि आपको 2024 में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ देंगे, रियल एस्टेट से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ देंगे, तो ये एक अच्छी स्थिति। वही बात करें राहु के बारे में, राहु 2024 में पंचम भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे और पंचम भाव में राहु कुछ अच्छे परिणाम और कुछ बुरे परिणाम भी देने का काम करते। बुरे परिणाम क्या देंगे? पेट से जुड़ी हुई समस्याएं देने का काम करते, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट जैसे क्षेत्रों में अच्छा लाभ देने का काम करते, लेकिन यहां पर आपको बच करके काम करना है क्योंकि राहु यहां पर कई बार बड़ा नुकसान भी देने का काम करता है। यहां पर दोनों ही स्थिति बनती है। राहु यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो स्वाभाविक है कि शेयर मार्केट जैसे क्षेत्रों में अच्छा लाभ आप 2024 में कमा सकते हैं,
लेकिन राहु यदि आपकी कुंडली में खराब है तो इन क्षेत्रों से बड़ा नुकसान भी आपको हो सकता है। लॉ लाइफ आपकी बढ़िया रहने वाली है, पंचम भाव का राहु लॉ लाइफ आप बढ़िया बना देता है, संतान पक्ष भी मजबूत रहेगा, लेकिन शिक्षा में बाधाएं आएंगी, पढ़ाई लिखाई में थोड़ी दिक्कत रहेगी मई 2024 तक, क्योंकि गुरु भी आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और ये पंचम भाव के मालिक है, तो पढ़ाई लिखाई में मन आपका कम लगेगा, ज्यादातर आपका मन जो है विचलित तो होगा, चंचल रहेगा, इसलिए थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान रखना है। संतान पक्ष के लिए मई 2024 से अच्छी स्थिति रहेगी, संतान की प्लानिंग यदि करना चाहते हैं तो मई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच कभी भी आप कर सकते हैं। लव लाइफ वाली स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी, तो राहु यहां पर कुछ अच्छे और कुछ बुरे परिणाम देने का काम करने वाले हैं। खान पान पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि पेट से जुड़ी हुई समस्याएं राहु यहां पर देने का काम करते हैं। राहु की दृष्टि के बारे में बात करें तो राहु की पांचवी दृष्टि आपके भाग्य भाव में होने के कारण अचानक भाग्योदय हो जाना, अचानक बड़ा लाभ मिल जाना, अचानक कोई लॉटरी लग जाना, ये भी स्थिति बनती है। राहु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव में होने के कारण अचानक धन लाभ लाभ हो जाना, अचानक धन का स्रोत पैदा हो जाना, किस्मत बदल जाना, ये स्थिति यहां पर राहु की बनती है। राहु की नवम दृष्टि आपके राशि में होने के कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली भी स्थिति रहेगी, कई बार आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कई बार आप गलत डिसीजन भी ले लेंगे, इसलिए थोड़ा सा सोच विचार करके काम करना है, और कोई भी बड़ा काम यदि आप कर रहे हो तो दूसरे का सलाह आपको जरूर लेना है, क्योंकि कई बार राहु भ्रमित करने का काम करेगा, पंचम भाव का राहु, तो राहु कुछ अच्छे परिणाम भी देगा और कुछ बुरे परिणाम भी देने का काम करेगा। गुरु की स्थिति 1 मई 2024 तक आपके लिए बेहतर नहीं है, धन हानि कराने का काम करते, धन खर्चे कराने का काम करेंगे, संघर्ष करवाने का काम करेंगे, खूब मेहनत करवाने का काम करेंगे, असफलताएं भी देने का काम करेंगे। 1 मई 2024 को जैसे ही गुरु आपके सप्तम भाव में आएंगे जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, कैरियर आपका बढ़िया हो जाएगा, कम मेहनत में बड़ा लाभ आपको मिलेगा, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा 1 मई 2024 से दिसंबर 2024 तक। जिन लोगों के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, विवाह जुड़ नहीं पा रहा है, 1 मई 2024 के बाद अच्छे योग बनेंगे। वैवाहिक जीवन खराब चल रहा है, 1 मई 2024 के बाद वैवाहिक जीवन भी आपका बढ़िया रहेगा। व्यापार में उतार चढ़ाव बना हुआ है तो मई के बाद आपकी स्थिति बढ़िया रहेगी। फाइनेंशियल स्थिति यदि आपकी ठीक नहीं है तो गुरु फाइनेंशियल स्थिति मई के बाद बेहतर करने का काम करेंगे। हालांकि राहु आपको अचानक लाभ देने का काम करेंगे, शनि भी आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, लेकिन धन के मालिक गुरु है, विवाह के मालिक गुरु है, संतान के मालिक गुरु है, शिक्षा के मालिक गुरु है, फाइनेंशियल स्थिति के मालिक गुरु है, और गुरु छठे भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते, संघर्ष करवाते, खूब मेहनत करवाते और मेहनत करने के बाद ही ये रिजल्ट देते। यही चीज है कि कम मेहनत करके सफलता यदि पाना चाहते हैं तो मई 2024 से दिसंबर तक का समय आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, तो गुरु का ये आपको ध्यान रखना है। अब गुरु मई तक आपको क्या क्या परेशानियां उत्पन्न करेंगे, स्वास्थ्य में थोड़ी मोड़ी हल्की फुल्की जो है परेशानियां चलती रहेंगी, संघर्ष खूब कराएंगे, थकान आपको ज्यादा लगेगी, काम काज करने में मन भी आपका थोड़ा कम लगेगा, और कंपटीशन में ज्यादातर असफलताएं देने का काम करेंगे मई तक, मई के बाद जो है अच्छी स्थितियां रहेंगी। इनकी पंचम दृष्टि कैरियर में होने के कारण कैरियर मजबूत करने का काम करेंगे, लेकिन संघर्ष करवाएंगे, प्रेशर रहेगा, दबाव रहेगा, कैरियर आपका चलता रहेगा, और मई के बाद कैरियर में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। वही इनकी सप्तम दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण बचत कम हो पाएगी, खर्चे ज्यादा रहेंगे, लेकिन मई के बाद ये स्थिति अलग हो जाएगी, मई के बाद बचत होने लगेगी, फाइनेंशियल स्थिति सुधर जाएगी। इनकी नवम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन के स्रोत तो बने रहेंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं, किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, लेकिन वही है कि खर्चे के भाव में भी इनकी दृष्टि है तो धन आएगा भी और खर्च भी होगा, लेकिन मई के बाद स्थिति आपकी बेहतर बन जाएगी। तो गुरु के लिए यदि देखा जाए तो मई के बाद स्थिति आपके लिए बेहतर है।
इसके बाद केतु के बारे में यदि बात करें तो केतु लाभ भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। पूरे वर्ष भर केतु के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। अचानक धन लाभ भी देने का काम करते हैं, ठेकेदारी से जुड़े हुए काम करते हैं, कमीशन से जुड़े हुए काम यदि करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए यदि आप काम करते हैं, मशीनरी से जुड़े हुए काम करते हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए काम करते हैं, तो केतु आपको पूरे वर्ष भर लाभ देने का काम करेंगे। रियल एस्टेट में भी केतु का अच्छा प्रभाव होता है, तो केतु आपको अच्छे सहयोग करने वाले हैं। तो 2024 में आपको ध्यान रखना है, थोड़ा शनि आपके कार्यों में विलंब भी करने का काम करेंगे, लेकिन सभी काम बनाने का काम करेंगे। राहु पर भी थोड़ा सा आपको फोकस करना है, अचानक बड़े फायदे देने का काम करेंगे, लेकिन कई बार फंसाने का भी काम यहाँ पर करते हैं। और खान पान पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। गुरु जो है मई के बाद आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, तो शनि के लिए भी आपको थोड़ा उपाय करना है। पीपल की आप पूजा करें, पीपल में जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं और परिक्रमा करें। साथ ही साथ जो है गुरु के लिए जो है धार्मिक स्थानों पर जाएं, बड़ों का सम्मान करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का जप करें। मई 2024 तक गुरु आपको अच्छे रिजल्ट देने का काम करेंगे। राहु के लिए राहु को बेहतर यदि बनाना है तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें, राहु आपको अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करेगा। यदि आपकी कुंडली में दशा अंतर दशा शुभ ग्रह की चल रही है, योग कारक ग्रह की चल रही है, तो 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और यदि दशा अंतर दशा खराब ग्रह की चल रही है, मारक ग्रह की चल रही है, राहु केतु शनि खराब है और उनकी चल रही है, तो फिर 2024 में परेशानियां उत्पन्न होंगी। पहले चल रही महादशा अंतर दशा के स्वामी को ठीक करिए, उसके बाद ये बदलाव देखने को मिलेगा। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।